नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हमारा नंबर सिस्टम पर एक और वीडियो आएगा, जो कि आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। आज जो हमारा पहला प्रश्न है वो है 180 के भाजकों की संख्या ज्ञात करिए, यानी कि 180 को कितने नंबरों से काटा जा सकता है, उन नंबरों की संख्या को ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 180 का हमको करना है गुणनखंड। क्या करना है? गुणनखंड। तो 180 को आप यहां साइड में ले लें, 180 को आप इसका गुणनखंड करिए। 2 9 18, ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये 3, ठीक है। ये हो गए गुणनखंड की बात करें तो आप कुछ इस प्रकार से 180 का गुणनखंड होगा, है ना। अब क्या करना है, जो ये 2 के घात 2 है, 5 के घात 1 है, 3 के घात 2 है, सब में बस आपको एक एक प्लस करने हैं। क्या करने हैं? घात में एक एक प्लस कर दीजिए। 2 प्लस 1 1 प्लस 1, ठीक है, सब में एक एक प्लस कर दीजिए। अब ये कितना हो गया? 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब सबको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। 3 दुना के 6 3 का 18, तो यानी कि 180 के भाजकों की संख्या कितनी हो गई? 18, ठीक है। एक अन्य क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार से। देखिए, 140 के भाजकों की संख्या, ठीक है। अब 140 के भाजकों की संख्या ज्ञात करिए, तो क्या करना है हमको, 140 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे, ठीक। तो 140 का जो गुणनखंड होगा हमारा, वो हो जाएगा 2 के पावर 2 के घात 2 गुणे 5 के घात 1 गुणे 7 के घात 1, ठीक है। अब मैंने जैसा कि पहले बताया था आपको, ये जो घात है इसमें एक एक अपने से जोड़ लेना है। क्या कर लेना है? एक एक अपने से जोड़ लेना है, उसके बाद सबका आपस में गुणा कर लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 1 3 गुणे 1 और 1 2 गुणे 1 और 1 2। अब 3 दुना के 6 दुना के 12, कितना आ गया हमारा आंसर? 12। तो उम्मीद है कि अगर भाजकों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप परीक्षा में प्रश्न गलत कर नहीं आएंगे। अब दोस्तों, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 150 के अभाज्य खंडों की संख्या ज्ञात करिए। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम 150 का क्या कर लेंगे? गुणनखंड। क्या कर लेंगे? गुणनखंड। ठीक है, जब आप 150 का गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब सबको आपको गिन लेना है, 1 2 3 4, कितने अभाज्य गुणनखंड हुए इसके? 4 1 2 3 4, ठीक है। तो केवल यही जो 4 है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभाज्य खंड पूछ रहा है। अभाज्य यानी जो केवल खुद के टेबल से कटे, जो केवल इसके ऐसे खंडों की बात कर रहा है, ये ऐसे गुणनखंडों की बात कर रहा है जो कि अपने आप में क्या हो? अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो। तो देखिए ना, 2 भी अभाज्य है 3 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य है 5 भी। अगर हम 25 इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 25, तो ये क्या अभाज्य हुआ? नहीं, ये भाज्य है, ये 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि 25 को हम 25 ना लिखकर 5 गुणे 5, अब ये अभाज्य हो गया हमारा और अभाज्य खंडों की ही संख्या पूछ रहा है। तो 2 1 3 2 5 3 और 1 5 4, टोटल कितने हो गए? 4 अभाज्य खंड, ठीक है। दोस्तों, मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसी प्रकार से ये पूछ दे कि 200 के अभाज्य खंड कितने होंगे, तो बताइए 200 के सबसे पहले आप क्या कर लेंगे? गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले इसका, ठीक है। अब 200 का जब आप गुणनखंड करेंगे तो यह जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हुआ टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो अभाज्य खंड कितने हो गए? 5। ये हमारा
आंसर होगा। कितना आसान है दोस्तों। हाँ, पर आसान तो ये अभी लग रहा है क्योंकि अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये सब चीजें जो है छोटी छोटी चीजें है। नंबर सिस्टम मैंने पहले ही कहा है, बहुत बेसिक चीज है, ये आपको कक्षा 5, 6, 7, 8 की किताबों में भी मिल जाएगा। परंतु होता क्या है कि हमारा और आपका सभी का ये आदत होता है कि जो हम बेसिक चीजें होते हैं ना उस पर कोई भी इतना ध्यान नहीं देता, और परीक्षा में यकीन मानिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से ही पूछे जाते हैं। तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं, ये हमारा बेसिक है। जब बेसिक स्ट्रांग रहेगा तो उसके बाद ही हम जाके आगे जो है इमारत खड़ी कर पाएंगे उस बुनियाद के बल पे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 80 के घात 200। क्या 80 के घात 200 के अभाज्य खंडों की संख्या। अब आप बोलेंगे बाप रे बाप, ये 80 के घात 200, इसका कैसे अभाज्य खंड निकाले। बहुत आसान है, बस आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। 80 का हमको सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, 80 का जब आप गुणनखंड निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। देखिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 5, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल कितने हो गए, 5 हुए इसके अभाज्य खंड। 80 के मैं बोल रहा हूं, 80 के अभी तो वो बात की बात है। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 200 है ना, ये जो 200 है कुछ नहीं करना, बस इसमें आपको गुणा करके बस लगा देना है। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, गुणा करने पर क्या आ जाएगा, 5 × 10, सीधे सीधे आपका 1000, कितने हो गए, 80 के घात 200 का अभाज्य खंडों की अगर संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छे समझ आया होगा। इसी प्रकार से हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पे, क्योंकि ये जो है हो सकता है शायद आपके पेपर में देखने को मिल जाए। देखिए, आपसे पूछ दिया मान लीजिए कि 40 के घात 500, 500 का अभाज्य खंडों की संख्या। अगर आपसे पूछ दिया कि 40 के घात 500 के अभाज्य खंडों की संख्या, तो सबसे पहले 40 का आपको क्या निकालना है, 40 का आपको निकालना है गुणनखंड। तो 40 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 × 2 है ना, 2 × 4 × 8 = 40, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, कितने हो गए, 4, इसके अभाज्य खंड 40 के कितने हो गए, 4, और ये 500 को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस सीधे आपको गुणा करके लगा देना, 4 × 5 = 20, कितने हो गए, 2000 इसके आंसर हो गए। उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब आप ये घात अगर इस तरीके से भी अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप घबराएंगे नहीं, केवल आपको ये मेथड पता होना चाहिए, ये आपको नियम पता होना चाहिए, और अगर ये आपको पता है तो यकीन मानिए आप प्रश्न जो है पेपर में गलत कर नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, दोस्तों अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 2500 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए 2500 को हमको भाग देना है किससे, 15 से भाग देंगे और देखेंगे कि शेष कितना बच रहा है। 15 से इसमें भाग देते हैं, 15 × 1 = 15, अभी ये कितना बचा, 10, 10 यहां उतर जाएगा, 15 × 6 = 90, 15 × 6 = 90, 10, 10 यहां उतरेगा, 100, 15 × 6 = 90, कितना शेष बचा है, कितना शेष बचा, 10। अब आप मुझे ये बताइए, अगर ये 10 शेष नहीं बचा होता, अगर यह 10 शेष नहीं बचा होता तो क्या यह 15 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो चुका होता। तो दोस्तों हमको कुछ नहीं करना है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, तो यानी कि जो हमारा शेषफल बच रहा है ना, इसी को अगर आप 2500 में से अगर आप ये 10 घटा दें, ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये पूर्णतः हमारा जो है 15 से कट जाएगा। दोस्तों आप अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि ये 2490 कट रहा है कि नहीं 15 से, तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं। देखिए क्या करना है, 15 से आप काटिए, 15 × 1 = 15, हाथ में आया कितना, 9, अब ये 9 उतरेगा, 15 × 6 = 90, हाथ में आया कितना, 9, ये 0 उतरेगा, 15 × 6 = 90। अब देखिए 2490 15 से 166 बार में पूरी तरीके से क्या हो गया, विभाजित हो गया। इसी तरीके से पूछ सकता है कि क्या और जोड़ दें, क्या और जोड़ दें, तो ये जो 10 है 15 से हमको विभाजित करना है, 10 शेष फल बच रहा है, अगर हम इसमें 5 और जोड़ दें, क्या 5 अगर हम और जोड़ दें तो क्या ये 15 शेष फल नहीं बचा होता,
और ये अगर 15 से स्फर बचा होता तो ये तो 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो चुका होता। जैसे कि मान लीजिए बोल देता कि 2500 में ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि वो 15 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये 10 है, अगर ये 10 में अगर हम 5 और जोड़ दे तो ये 15 से पूरी तरीके से कट जाएगा। तो ये अगर हम 2500 है, 2500 5 अगर हम 5 जोड़ दे रहे हैं तो देखिए ये 15 से इसको चेक किया जाए कि ये कटता है कि नहीं। तो 15 हाथ में आया 10, ये 0 उतरा, 15 छक्का 90, हाथ में आया 10, ये 5 आया, 15 सत्ते 105। देखिए पूरी तरीके से कट गया कि नहीं कट गया। तो 15 से 167 बार में 2505 ये क्या हो जा रहा, पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा। तो दोस्तों अगर जैसा क्वेश्चन पूछे, यहां पे पूछा है घटाई जाए, तो हम उस प्रकार से इसको घटा के आंसर दिए कि 2490 हो गया। अगर पूछता कि क्या और जोड़ा जाए 2500 में और क्या जोड़ा जाए कि ये 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, तो हम क्या करते कि इसमें 5 और जोड़ देते तो ये 15 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता। अब दोस्तों जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, एक संख्या को 13 से विभक्त करने पर एक शेष बचता है, यदि भागफल को 5 से विभक्त कर दे तो 3 शेष बचता है, और यदि इसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वो संख्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले वो संख्या निकालेंगे, क्या कह रहा, 13 से भाग देने पर, किससे, 13 से भाग देने पर क्या शेष बच रहा है, 1। यहां पे लिखेंगे 1, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए, यदि भागफल को 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचता है, 3। शेषफल को हमेशा यहां लिखेंगे और जिस नंबर से भाग दिया जा रहा है उसको यहां लिखेंगे। अब आपको अपने से यहां पे खुद से 1 कर लेना है, इसका इसमें गुणा करना है, इसका इसमें गुणा करना है, और जो हमारा गुणा करने पे आएगा वो उसको क्या करना है, 3 को जोड़ देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें, 5 एक कम 5 और 3 8, ठीक है, 13 8 104, 104 और 1 105, समझ में आया। ये 5 का गुणा मैंने इसमें किया, 5 एक कम 5 और 3 8, 8 हो गया। अब 13 8 104, 13 8 104, देखिए ये गुणा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, और ये प्लस, ठीक है, 5 एक कम 5 3 8, 13 8 104 और 1 5, तो ये हमारा निकल के आ गया वह संख्या, वह संख्या कौन सा, 105। अब क्या कर रहे हैं, यदि इस संख्या में, कौन सी संख्या में, ये 105 की बात कर रहा है, अभी 105 में कह रहा है कि 65 से भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा, 65 दूना 130, ज्यादा हो जा रहा है, तो 65 एक कम 1 बार में हम ले जाएंगे, कितना शेषफल बच गया, 4। तो यही पूछ रहा है क्या शेष बच रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर 40, कितना होगा 40, क्या शेष बचेगा 65 से भाग देने पर 40। तो दोस्तों ये रहा हमारा नंबर सिस्टम पर आधारित आखिरी वीडियो, इसके बाद हम औसत प्रारंभ करेंगे। दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा नंबर सिस्टम पे जितने भी मैंने पॉइंट्स पढ़ाए वो आपको बखूबी समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करने के अलावा जो हमारे वीडियोस हैं उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा औसत, तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।